हेलो गाइस, दिस इज मोना। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू डूइंग वेल। सो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बहुत ही अमेजिंग एंड सिंपल इजी मेकअप लुक। सो मैंने ये न्यूड मेकअप लुक क्रिएट किया है, और ये मेकअप लुक जो है गाइस, ये जस्ट टीन एजर्स लोग के लिए है, और बेसिकली कॉलेज गर्ल्स और ऑफिस के लिए लोग भी इस मेकअप को यूज़ कर सकते हैं। और ये मेकअप गाइस मैंने सिर्फ और सिर्फ 4-5 प्रोडक्ट यूज़ किया है। ऑफ कोर्स हम लोग जब ऑफिस जाते हैं या फिर कॉलेज जाते हैं तो बहुत सारा मेकअप करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता है, तो इसके लिए मैंने 4-5 मेकअप यूज़ किया है, और ये जस्ट 5 मिनट में मेकअप कम्प्लीट हो जाता है। अगर ये मेकअप लुक आपको देखना है तो प्लीज़ कीप एंड वॉच माई वीडियो, एंड वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने स्किन पे ये सीरम गुड वाइब्स का। और आपके पास जो भी सीरम हो, कोई अच्छा सा अच्छा ब्रांड का, आप वो यूज़ कर सकते हो। और मैंने कुछ ड्रॉप्स ये सीरम लिए हैं और इसे अपने फेस में अप्लाई कर लूँगी, और फेस में थोड़ा ग्लो भी आ जाएगा और स्किन हाइड्रेट भी हो जाएगी और थोड़ी मॉइस्चराइज भी हो जाएगी मेकअप के बाद। ये स्किन बहुत ग्लो लगेगी। तो सीरम अप्लाई कर लिया है, स्किन में ग्लो आ गई है। नेक्स्ट सनस्क्रीम है, जो ये आप समर सीज़न में अप्लाई कर सकते हो, और सनस्क्रीम को भी अच्छे से अप्लाई कर लेना है। ये लैक्मे सनस्क्रीम बहुत अच्छा है गाइस, ये सन से हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारे स्किन को बहुत ब्राइट रखता है। और बहुत लोग होते हैं इस गलती ये कर देते हैं, सनस्क्रीम अप्लाई करने के बाद अपने अंडर आइज एरिया पे अप्लाई नहीं करते और धीरे धीरे डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं और डार्क सर्कल भी होने लगते हैं। तो इसे आप अपने अंडर आइज एरिया पे भी अच्छे से अप्लाई करें, और पूरे फेस के साथ साथ अपने अंडर आइज एरिया पे भी ध्यान दो, ताकि आपकी स्किन में डार्क सर्कल और डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम ना हो। सनस्क्रीन अच्छे से अप्लाई हो जाने के बाद अब स्किन में ये ट्री ट्री का जेल है, जो स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज और ग्लो भी करती है। और ये जेल काफ़ी ज़्यादा लाइट है और अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज भी कर देती है, और बिल्कुल भी स्टिकी फील नहीं होता है। जेल को भी अच्छे से ऑल ओवर फेस में अप्लाई करना है। और जेल को अच्छे से अप्लाई हो जाने के बाद गाइस, मैं आज कोई भी फाउंडेशन, सीसी क्रीम, बीबी क्रीम यूज़ नहीं करने वाली हूँ, और इसके जगह पे मैं ये यूज़ करूँगी। ये फिटमी का कंसीलर है, और जहाँ जहाँ मेरे डार्क स्पॉट्स एरिया है वहाँ पे सिर्फ इसे मैं अप्लाई करूँगी। और मेकअप के लिए मैंने ये फिटमी का कंसीलर, मेरे शेड से 1 शेड लाइट है, और कंसीलर भी मैं ज़्यादा अप्लाई नहीं कर रही हूँ, जहाँ जहाँ मेरा डार्क स्पॉट्स है वहीं अप्लाई कर रही हूँ। सो मैं कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड करूँगी पफ की हेल्प से, और इसे अच्छे से ब्लेंड करना है। जैसे कि मैंने गाइस कहा था, ये बहुत ही सिंपल और इजी मेकअप है, इसलिए मैंने सीसी फाउंडेशन क्रीम कुछ भी मैंने यूज़ नहीं किया है, जस्ट ये कंसीलर ही यूज़ किया है। और ये भी बहुत अच्छा से स्किन को ग्लो करता है, आप देख सकते हो। कंसीलर अच्छे से ब्लेंड हो जाने के बाद नेक्स्ट में जो यूज़ करने वाली हूँ वो है लैक्मे एब्सोल्यूट का कॉम्पैक्ट। और ये जो शेड है मेरे स्किन से 1 शेड लाइट है, और इसे ऑल ओवर फेस में अप्लाई करना है। और इसे मैं ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही हूँ, बस हल्का हल्का टैप टैप करके इसे अप्लाई करना है। कॉम्पैक्ट अच्छे से अप्लाई हो जाने के बाद नेक्स्ट मैं यूज़ करने वाली हूँ ये जेल काजल है, एज अ आई लाइनर भी हम लोग बोल सकते हैं, और ये ब्राउन शेड जेल है। सो इसे मैं अपने आईब्रो को फिल कर लूँगी, और ये बहुत अच्छा नेचुरली मेरे आईब्रो को सेट करता है। और इसी जेल से मैं अपने एज अ काजल भी यूज़ करूँगी, और इसे मैं ज़्यादा अप्लाई नहीं कर रही हूँ, जस्ट थोड़ा सा अपने लॉयर लेस पे अप्लाई कर रही हूँ। और ये ब्राउन शेड जो काजल है ये बहुत अच्छा लगता है, आप देख सकते हो। जेल अच्छे से अप्लाई हो जाने के बाद नेक्स्ट मैं यूज़ करने वाली हूँ ये मस्करा है, ये ब्लू हेवन का मस्करा है, और इसे भी अपने आईलैश पर अप्लाई करूँगी, और ये भी बहुत अच्छा नेचुरल लुक देता है। और ये भी मस्करा बहुत अच्छा, ये लॉन्ग लास्टिंग भी स्टे देता है, ये आपको पसीना से मेल्ट होने नहीं देता है।
मस्करा अच्छे से अप्लाई हो जाने के बाद ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करूँगी, जस्ट हाइलाइटर में पिंक शेड हाइलाइटर यूज़ करने वाली हूँ और इसे मैं हल्का सा फिंगर्स पे अपने ले करके अपने चिक्स पे अप्लाई करूँगी और ये बहुत ही अच्छा नेचुरल हाईलाइट देता है। आप देख सकते हैं ये बहुत नेचुरली हाईलाइट लग रहा है, सो इसे मैं ज़्यादा अप्लाई नहीं करना है। और इस अच्छे से अप्लाई हो जाने के बाद लास्ट मेरा जो है वो लिपस्टिक है, और ये जो लिपस्टिक है ये मैट लिक्विड लिपस्टिक है, ये मेरा शेड है लाइट ब्राउन और ये बहुत काफ़ी अच्छा लगता है मुझे ये कलर, आप देख सकते हो ये मेरे लिप्स पे बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। सो इसी लिपस्टिक को भी अपने लिप्स पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। और गाइस ये मेकअप जो है ये बहुत ही लाइट वेट और सिंपल न्यूड मेकअप है और ये मेरा मेकअप कम्प्लीट हो गया है। और ये टीन एजर्स और कॉलेज गर्ल्स ऑफिस के लिए भी ये मेकअप बहुत ही परफेक्ट है। सो गाइस ये मेरा मेकअप कंप्लीट होता है और मैंने ये सिंपल सा हेयर स्टाइल क्रिएट किया है और अभी इसी तरीका से मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो। सो मेरा ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।